भागलपुर जिले में लगातार गर्मी जोरों शोरों पे है और तापमान 40 डिग्री से ऊपर हो चुका है। वहीं जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा गर्मी छुट्टी की आदेश जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि भागलपुर जिले का एक ऐसा प्रखंड जहां पर गर्मी छुट्टी नहीं बाढ़ की छुट्टी होती है। आपको बता दें कि भागलपुर के इस्माइलपुर प्रखंड में अभी है और इस्माइलपुर प्रखंड का ये मध्य विद्यालय लक्ष्मीपुर है, आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं और बच्चों को आप अभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ कैसी तरह क्लास में पढ़ाई हो रही है और इसको लेकर हम अपने इस क्लास में पहुंचे हुए और प्रधानाध्यापक जो अभी यहाँ पर तो मौजूद नहीं है और प्रभारी में है, हम शिक्षक से बात कर रहे हैं। गर्मी को लेकर जो स्कूल जिले के इस्माइलपुर प्रखंड में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो स्कूल खुला हुआ है उसको लेकर हम क्लास में मौजूद हैं और सर से हम बात करते हैं। सर, ये जो अभी सारे जिले में गर्मी छुट्टी है और अपने इस्माइलपुर प्रखंड का ये स्कूल है, इसमें सिर्फ छुट्टी नहीं हुई, क्या कारण है? सबसे बड़ी बात है कि हम छुट्टी तो हम लोग घोषणा कर दिए थे लेकिन पुनः जो है ना जिला कार्यालय से जो है जिला शिक्षा कार्यालय से जो है ना चिट्ठी निकली कि भाई ग्रीष्मावकाश की छुट्टी के बदले बाहर की छुट्टी होगी। हम लोगों ने पुनः विद्यालय खोल दिया जबकि यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है, तापमान बहुत ज्यादा है, लू की स्थिति बनी हुई है, बच्चे यहाँ से जाने में और बड़ा जान जब हम लोग जो है ना सचेतना सत्र का प्रारंभ करते हैं कुछ बच्चे अचानक जो है ना बेहोश हो जाते हैं। बिजली की कैसे व्यवस्था है? बिजली सर आती और जाती रहती है। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप अपने चैनल के माध्यम से? क्यों हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो है पूर्व की जो परंपरा रही है उसकी समाप्ति हो, सुधार किया जाए, उसमें सुधार किया जाए क्योंकि जो है ना विद्यालय ये क्षेत्र जो है ना रिंगमान से सुरक्षित हो चुका है और यहाँ पर जो है ना ग्रीष्मावकाश की छुट्टी होनी चाहिए, है ना। जैसे कि जी अपना परिचय दे दे सर। मैं विनोद कुमार यादव, शिक्षक मध्य विद्यालय लक्ष्मीपुर। तो जैसा कि आपने सुना कि हमारे जो यहाँ मध्य विद्यालय लक्ष्मीपुर की जो शिक्षक, उन्होंने कहा कि पुराने जो परंपरा चली आ रही है बाढ़ की छुट्टी और गर्मी की छुट्टी नहीं होने की, उसके जो इस छुट्टी में और इस परंपरा में बदलाव होना चाहिए। अभी क्लास में एक छात्र है और उनसे हम बात करते हैं क्या कुछ स्थिति है और अब क्या है। अभी पढ़ाई कर रहे हो, गर्मी भी लग रही है तो हर जगह छुट्टी है? यस सर, यहाँ पर छुट्टी नहीं है। यहाँ छुट्टी नहीं है, क्यों ऐसा कुछ होता है, कुछ पता है क्या इसके बारे में? यहाँ पर सर सिर्फ बार का छुट्टी होता है, यहाँ गर्मी का छुट्टी नहीं। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में। क्लास 8 में पढ़ते हो, मतलब 8 सालों से जब भी आए सबसे उस समय से बार का छुट्टी हो रहा है? यस सर। अभी क्या चीज का पढ़ाई हो रहा है? मैथ्स का। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो बता रहे हैं कि बाढ़ की छुट्टी होती है, यहाँ पर गर्मी की छुट्टी नहीं होती है। छात्र जो हैं तपती गर्मी में अपने स्कूलों को पहुँचते हैं। वहीं आप यहाँ पर सामने देख पा रहे होंगे कि जो छात्र हैं कुछ स्कूल क्लास से बाहर ही बैठे हुए, इनका कहना है कि हमने जो गर्मी को देखते हुए क्लास से बाहर बैठे हुए हैं। शिवम सिंह, न्यूज 18, भागलपुर।